हाउ टू मेक थंबनेल लाइक आदित्य सैनी इन मोबाइल, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बट वो वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था एंड अभी के टाइम पे आदित्य सैनी के थंबनेल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उनके न्यू थंबनेल्स बनाना सीखेंगे अपने फ़ोन से। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, देन आप लोग कमेंट करेंगे कि भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एंड अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके या सेव करके रख सकते हैं एंड बाद में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो आदित्य सैनी जैसा थंबनेल बनाने के लिए आप लोग को तीन चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, आप लोग कोई भी पीएनजी को कैसे कार्टून जैसा बना सकते हो, उसके टेक्सचर्स को आप लोग स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा टेक्सचर को स्मूथ कर दिया गया है, एंड इस टाइप से आप लोग भी कर सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से। तो सेकंड चीज़ जो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग टेक्स्ट में टेक्सचर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जो डेथ लिखा हुआ है उसमें किस टाइप से टेक्सचर दिया गया है। थर्ड, हम लोग बैकग्राउंड क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे आप लोग इस टाइप्स के बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे PNGs डाउनलोड कर सकते हैं। तो फेस को स्मूथ बनाने के लिए आप लोग को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम है टून इफेक्ट। देन आप लोग को इसमें इस टाइप का फिल्टर ढूंढना पड़ेगा, इस टाइप का यहाँ पे। देन इस टाइप का फिल्टर आप लोग जब ढूंढ लेंगे तो सिंपली इस फिल्टर को अप्लाई कर देना है अपने फोटो पे, तो देन ऑटोमेटिक आपके फोटो को ये कार्टून जैसा बना देगा। वैसे तो ये आप लोग लाइटरूम या अदर एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है टेक्स्चर को स्मूथ करना एंड थोड़ा सा कार्टून जैसा अपने फोटो को बनाना। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके फोटो को कुछ इस टाइप का बना के दे देगा। देन आप लोगों को थ्री लाइन पे टैप करके इसको सेव टू डिवाइस कर लेना, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग टेक्स्ट में इफेक्ट कैसे देंगे वो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो सिंपली आप लोगों को पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे आना है एंड इस वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप करके जो भी आप लोग को थंबनेल पे लिखना है वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है। एग्जांपल के लिए मैं टेक्स्ट ही लिख लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं डन करूँगा एंड यहीं पे आप लोगों को फॉन्ट चूज करना है ए बी वाले ऑप्शन पे जाके। तो यहाँ पे मैं पॉपिंस फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं डन करता हूँ। आप लोग कोई दूसरा फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसको मैं कुछ इस टाइप से बड़ा कर देता हूँ एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको सिंपली सेव कर लूँगा, सेव एज इमेज। देन यहाँ पे डिफॉल्ट जो रहेगा उसको आप लोग को अल्ट्रा कर देना है, फॉर्मेट आपका PNG रहना चाहिए, देन यहाँ पे सेव टू गैलरी करना है। तो पिक्सल ऐप में टेक्स्ट क्रिएट कर लेने के बाद आप लोग को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, PSCC 2019 ये मोबाइल के लिए बना था। देन आप लोग को इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर टैप करना है, विथ आपको 1920 यहाँ पे लिखना है, नीचे वाला 1080p ऑलरेडी रहता ही है। देन यहाँ से डन करेंगे एंड यहाँ पे अब आप लोग को मैं टेक्स्ट क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो यहाँ आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, सबसे पहले मैं ब्रश वाला सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आप लोग को टैप करना है, यहाँ पे जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो ये यहाँ पे एक प्लस का आइकन आएगा, इस पर टैप करना है। देन फोटो लेयर पे जाना है, देन फोटो लाइब्रेरी पे जाना है एंड आप लोग को टेक्स्ट लेना है जो पिक्सल लैब में अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया है, देन यहाँ से मैं डन करूँगा। डन करने के बाद अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं नीचे वाला जो लेयर है सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पे जाके एंड नीचे वाला लेयर को हम लोग पहले कलर कर लेते हैं। यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नज़र आए टेक्स्ट। देन यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, उसके बाद आप लोग को एक और इमेज लेना है। वो इमेज आप लोग को डाउनलोड कैसे करना है, कौन सा इमेज है, वो मैं आप लोग को थर्ड पार्ट में बताता हूँ। तो इस टाइप का आप लोग इमेज ले सकते हैं, कोई सा भी इमेज ले सकते हैं, क्योंकि आदित्य सैनी अपने हर थंबनेल में डिफरेंट डिफरेंट इमेज यूज़ करते हैं। तो वो मैं आप लोग को थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि कैसे आप लोग को इमेजेस डाउनलोड करना है, बैकग्राउंड कैसे बनाना है। देन ये इमेज ले लेने के बाद आप लोग को सिंपली इसको टेक्स्ट के ऊपर रखना है, देन यहाँ से डन करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट वाले लेयर को आप लोग को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इस पर आप लोग को जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ से आप लोग को टेक्स्ट को सिलेक्ट पिक्सल करना है। तो यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट जो है सिलेक्ट पिक्सल हो चुका है। देन आप लोग को ऊपर वाले लेयर पर जाना है एंड फिर से हम लोग को इसी वाले ऑप्शन पर टैप करना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। देन यहाँ पर टैप करने के बाद आप लोग को एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो हम लोग का टेक्स्ट में टेक्स्चर लग चुका है। देन अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को टैप करना है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, इस जगह पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करेंगे तो आप लोगों को एक स्क्वायर मिलेगा, इस पे पहले आप लोग टैप कर दीजिएगा। देन आप लोग को ये जो आपका फ्रेम है इससे बाहर टैप करेंगे तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा पिक्सल। देन आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोग का टेक्स्ट वाला ही यहाँ पे सिलेक्टेड रहना चाहिए। देन आप लोग को ये एंड का जो टूल है ऊपर में एंड लिखा हुआ है उस पर जाना है। देन यहाँ पे आप लोग को फेड के ऑप्शन पे जाना है। देन आप लोग को यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नीचे में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आप लोग को फर्स्ट वाला ही ऑप्शन चूज़ कर लेना है, ये वाला। देन आप लोग को यहाँ पे कुछ इस टाइप से टेक्सचर देना है, यहाँ पे फेड करना है टेक्सचर को एंड यहाँ से कुछ इस टाइप से आप लोग फेड कर लीजिएगा। देन यहाँ से डन करेंगे। देन टेक्सचर का अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग को FX पे जाना है, ऊपर में FX लिखा हुआ है। देन टिंट पे जाना है एंड यहाँ से आप लोग जो सा भी कलर चूज़ करेंगे टेक्सचर का वही कलर हो जाएगा।
देन मैं इंटेंसिटी को हल्का सा कम कर देता हूँ, देन यहाँ पे जो लुमिनेसिटी हम लोग को मिलता है उसको भी मैं हल्का सा कम कर देता हूँ। देन आप लोग टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, तो सिंपली मैं टेक्स्ट वाला यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लेयर, देन वापस से हम लोग इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, एंड इस वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ से हम लोग सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, देन एंड टूल पे जाएंगे, फिल एंड स्ट्रोक पे जाएंगे, एंड इस टाइप से आप लोग कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप लोग ग्रेडियंट में देना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग को एंड टूल पे ग्रेडियंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप लोग ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। देन इस टेक्स्ट को पीएनजी में सेव करने के लिए सिंपली आप लोग को एक लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, जो कि मैंने ब्लैक रखा है, तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं टैप करूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, देन इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे आ चुका है। देन यहाँ से मैं डन करूँगा, एंड यहाँ से सेव करूँगा। देन यहाँ से आप लोग को इस वाले आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे इस वाले आइकन पे, देन यहाँ पे सेव टू गैलरी पे टैप करना है, देन यहाँ से JPG या PNG दोनों में से कोई एक फॉर्मेट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे PNG कर रहा हूँ क्योंकि यार अभी तो हम लोग PNG में ही सेव कर रहे हैं। देन आप लोग को ये फोटो सिलेक्ट करना है जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है, यानी कि थंबनेल के लिए टेक्स्ट, देन यहाँ से ओके करेंगे, तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आप लोग आदित्य सैनी के थंबनेल जैसे बैकग्राउंड टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप लोग अपने थंबनेल में यूज़ करेंगे। तो सिंपली आप लोग को गूगल पे आना है, एंड यहाँ पे सर्च करना है ग्रंज टेक्सचर PNG, एंड इसी टाइप से मैं कुछ और वर्ड्स यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगा, जो कि आप लोग सर्च करेंगे तो इस टाइप के इमेजेस आप लोग को मिल जाएंगे। देन आप लोग को इमेज वाले ऑप्शन पे जाना है ये सर्च करने के बाद, देन आप लोग को जो भी यहाँ से अच्छा लगता है PNG वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या इमेजेस, जैसे कि मेरे को ये वाला डाउनलोड करना है तो डायरेक्ट मैं इस पर ऐसे टैप करके रखूंगा, देन डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। बट कोई कोई इमेजेस यहाँ से डाउनलोड नहीं होता, तो उनके वेबसाइट पे आप लोग को जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं इनके वेबसाइट पे जाता हूँ, एंड यहाँ से मैं विजिट पे टैप करता हूँ, विजिट पे टैप करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग होगा, देन यहाँ से आप लोग को चूज़ करना टेक्सचर यहाँ पे, जैसे कि मैं ये वाला ही ले लेता हूँ, तो इस पे मैं टैप करूँगा, देन यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड PNG फॉर फ्री। तो कुछ PNG इमेजेस आपको फ्री में मिल जाएंगी, एंड कुछ पेड होती हैं, एंड कुछ में एड्स देखने के बाद वो फ्री में आप लोग को मिल जाता है। देन यहाँ पे मैं टैप करूँगा आई एम ए ह्यूमन, देन यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने कैप्चा को वेरीफाई कर लिया है, देन यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है ये फाइल। तो इसी टाइप से आप लोग PNGs इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, एंड आप लोग बैकग्राउंड में ये इमेजेस PNGs लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग का बैकग्राउंड बहुत अच्छा बन जाएगा। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी एक थंबनेल को पूरा बना के दिखाऊं एक वीडियो में, तो यार कमेंट कर देना, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।